गवर्नर महाराष्ट्र को दिया था, जिसके आधार पर उन्होंने उन्हें सरकार बनाने को निमंत्रण दिया है, उसे अदालत के सामने कल 10:30 बजे पेश किया जाए। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उनके साथ शिवसेना, तीनों के संयुक्त पेटिशन जो कोर्ट में दायर किया है, हमने अदालत से ये दरख्वास्त की है कि फौरी तौर से एक फ्लोर टेस्ट बहुमत साबित करने के लिए ऑर्डर किया जाए, ताकि ये साबित हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी द्वारा जो सरकार बनाई गई है वो एक नाजायज सरकार है जिसके पास बहुमत नहीं, पर इसका निर्णय केवल फ्लोर टेस्ट में हो सकता है। इसलिए ये दरख्वास्त हमने अदालत के समक्ष रखी है, जिस पर कोई निर्णय आना अभी बाकी है। कल जब सारा रिकॉर्ड आएगा तो अदालत उसका संज्ञान लेकर दोनों पक्षों की बहस सुनकर इस पर निर्णय करेगी। हमें ये उम्मीद है कि संविधान की परिपाटी को धूमिल किया है भाजपा और अजीत पवार जी ने, एक ऐसी सरकार बनाकर जिनके पास ना विधायक हैं और ना बहुमत। ये एक इललेजिटिमेट सरकार है, एक नाजायज सरकार है, और जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा विधानसभा का, ये साबित हो जाएगा कि भाजपा और अजीत पवार जी के पास बहुमत नहीं। अब मैं दरख्वास्त करूंगा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चव्हाण साहब को कि वो आपको अपनी बात कहें। जी सर, सबसे पहले मैं उच्चतम न्यायालय का आभारी हूँ कि आज इतवार के दिन उन्होंने हमारी पिटीशन को सुना। ये पिटीशन तीनों दलों ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के द्वारा पेश किया गया था, और इस विषय का महत्व समझकर आज इतवार होते हुए भी आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी बात सुनी। जो फैसला दिया है कि कल 10:30 बजे मामला फिर से सुना जाएगा, और उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय को अपनी अपनी बात और सारे कागजात सामने रखने के लिए कहे हैं। हमारी मांग ये है कि यह फडणवीस सरकार एक नाजायज सरकार है, लेजिटिमेट सरकार है, इसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुरंत बिना किसी घोड़ा बाजार के बगैर तुरंत कल ही फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दे। और मैं पूरी उम्मीद है कि हमारे पास जो संख्या है, हमने जो कागजात पेश किए हैं, उसके आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय कल हमारे पक्ष में फैसला देगी, महाराष्ट्र की जनता के पक्ष में फैसला देगी, क्योंकि ये एक नाजायक सरकार एक दिन भी सत्ता में रहने के लायक नहीं है। और इसका एक ही फैसला जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, इसका निर्णय फ्लोर टेस्ट के माध्यम से विधिमंडल विधानसभा के पटल पे ही इसका निर्णय होगा। हम मांग करते हैं कि तुरंत ये फैसला करने के आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय दें। सर, आप लोगों ने कहा कि मेजॉरिटी के लिए वो आज भी तैयार है, क्या आप लोगों की यही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 को लेकर सर आपके वकीलों ने लगातार दलील दी कि हम मेजॉरिटी टेस्ट के लिए तैयार हैं, क्या आप नंबर्स को लेकर श्योर हैं? अगर हम फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अगर श्योर नहीं होते तो हम फ्लोर टेस्ट की मांग क्यों करते? और जो लोग फ्लोर टेस्ट करने से कतरा रहे हैं, जो कोई टेक्निकल मुद्दे निकालकर समय मांग रहे हैं, एक वकील साहब ने 5 दिन का समय मांगा, किसी ने 4 दिन का समय मांगा, अगर सरकार के पास बहुमत है तो तुरंत फ्लोर टेस्ट से क्यों कतरा रही सरकार? कितना आंकड़ा है? अगर जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा, ये साबित हो जाएगा कि महाराष्ट्र के हक में बनाई हुई तीनों दलों की अलायंस के पास संपूर्ण बहुमत है, बल्कि संपूर्ण बहुमत से भी बहुत ज़्यादा अधिक विधायक हैं, और ये भी साबित हो जाएगा कि एक नाजायज सरकार का गठन रातों रात चोरी छुपे करने वाली भाजपा और अजीत पवार जी के पास न विधायक 22 और 23 तारीख की रात को थे, न आज हैं, और न जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन। वो लोग फ्लोर टेस्ट
जो इस देश के एसआर बोमई के संवैधानिक पीठ के अनुरूप किया जाना है उससे बच रहे हैं। इससे साफ है कि उनके पास ना विधायक है ना बहुमत। वो एक नाजायज सरकार का रातों रात गवर्नर के ऑफिस का दुरुपयोग कर उन्होंने एक सरकार बना ली है। जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उनका अल्पमत साबित हो जाएगा और इस महाराष्ट्र की पक्षधर अलायंस का बहुमत साबित होगा। राज्यपाल को जो चिट्ठी दी गई है वो उसके बारे में जानकारी मांगी गई है, तो आपको लगता है उससे जो है तस्वीर साफ होगी? अगर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि उनके पास विधानसभा में अपना भाई साबित कर रहे हैं, वो क्यों इस बात से गुरेज कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, तो कल आज ही विधानसभा बुलाइए, अदालत को छोड़िए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा और बहुमत साबित हो जाएगा। कोई बयान 20 नवम्बर का नहीं आया। मराठी में बोलेंगे, अनौपचारिक तौर से कानून मंत्री ने राज्यपाल की ओर से ये कहा था, वो भी ऑफिशियली नहीं कहा। मुझे नहीं पता 30 तारीख आई कहां से है। राज्यपाल जी ने कोई इस बारे में अधिसूचना या पत्र जारी नहीं किया, जो फिर ये दिखाता है कि भाजपा के पास बहुमत नहीं। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में अब ये अनुरोध करूंगा कि मराठी में हमारे बहुत सारे साथी हैं, उनके लिए सर इंग्लिश में बोल दो, हट जाएंगे सर, इंग्लिश में बोल दो बाकी हट जाएंगे। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया for taking up a joint petition of the Indian National Congress, the NCP and the Shiv Sena on a Sunday today, considering the urgency of the matter, as also our demand that the constitution has been trampled upon and democratic mandate has been mowed down by BJP and Shri Ajit Pawar together in a midnight surreptitious and secret operation. The petition was taken up today by the Honorable Supreme Court of India, and government has been directed to produce the letters of support given by Shri Devinder Fadnavis and Shri Ajit Pawar to the governor of Maharashtra by 10:30 tomorrow. Our demand is simple. Let's have a floor test and whoever has the majority will be established. BJP and Shri Ajit Pawar are shying away and running away from proving majority on the floor of the house, while the alliance of the three parties constituted in the interest of Maharashtra has full majority. Moment a floor test is ordered, our majority will be established and it will be proved. तो रणदीप सिंह सुरजेवाला और साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान को भी आप सुन पा रहे थे। दोनों की तरफ से एक ही चीज़ मेंशन की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो भी हम जिक्र भी कर रहे थे कि फ्लोर टेस्ट के लिए अब कल 10:30 बजे, जिस तरह की उम्मीद भी की जा रही है कि 10:30 बजे शायद फ्लोर टेस्ट के लिए बोल सकते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि हमारे पक्ष में ही फैसला होगा और महाराष्ट्र के पक्ष में फैसला होगा। और साथ ही साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि फ्लोर टेस्ट में अल्पमत में साबित हो जाएगी बीजेपी और अपना सरकार नहीं बना पाएगी और उनके पास बहुमत का आंकड़ा है, ये बात का भी जिक्र वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट दोबारा से सुनवाई करने वाला है, 10:30 बजे फिर सुनवाई होगी और बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, ये कहना है रणदीप सिंह सुरजेवाला का। और कह रहे हैं कि जैसे फ्लोर टेस्ट साबित करने का मौका आएगा तो अल्पमत में बीजेपी आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुना है और नोटिस जारी कर दिया है सभी पक्षों को, कल सुबह 10:30 बजे फिर से सुनवाई होगी और फ्लोर टेस्ट पर कल ही फैसला आएगा। तो बता दें आपको कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर के जो पिटीशन डाली थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें रखते हुए इस चीज का जिक्र किया गया है। खासतौर पर एमएलए राजीव, जो राज्यपाल को जो लेटर सौंपा गया था अजीत पवार द्वारा, वो लेटर भी सबमिट करना होगा। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दोबारा सुनवाई होनी है। ये सुनवाई सुबह 10:30 बजे होगी शुरू। और उधर आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्यपाल का आदेश और समर्थन पत्र कल सुबह तलब किया है और इसके बाद कोर्ट फ्लोर टेस्ट पर अपना फैसला सुनाएगा। और इसी दौरान कोर्ट ने केंद्र राज्य सीएम देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम अजीत पवार को नोटिस भी जारी कर दिया है। करीब 1 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के वकीलों ने जोरदार हंगामा किया, बहस की और बीजेपी की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा है कि क्या फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को आदेश दे सकता है।
उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट की जल्दबाजी क्या है, वह लोग 3 सप्ताह से सो रहे थे क्या। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें 2 राय नहीं है कि शक्ति परीक्षण बहुमत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के पास सरकार बनाने का मौलिक अधिकार नहीं है और उनकी याचिका को मंजूर नहीं किया जा सकता। वहीं बीजेपी का पक्ष रखते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट का आदेश पारित करने के लिए अदालत को आवश्यकता नहीं है, यहाँ तीनों दलों के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है। जबकि एनसीपी का पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि जिसने कल बहुमत का दावा किया और आज वो फ्लोर टेस्ट से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए हैं, चाहे 1998 में यूपी का मामला हो या फिर 2018 में कर्नाटक का। सिंघवी ने कहा कि अजीत पवार विधायक दल के नेता नहीं है, अगर उन्हें अपनी पार्टी का समर्थन नहीं है तो वह उप मुख्यमंत्री कैसे बने रह सकते हैं। वहीं शिवसेना की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर बीजेपी के पास बहुमत है तो विधानसभा में साबित करें, अगर वो बहुमत साबित नहीं करते हैं तो हमें साबित करने दिया जाए। हमारे साथ प्रमोद कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बने हुए हमारे साथ, साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं, और जो महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा अभी हम देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें रख दी गई हैं जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि तत्काल फ्लोर टेस्ट नहीं, 10:30 बजे कल फिर से सुनवाई होने वाली और सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया गया है, अभी क्या समझते हैं, गेंद किसके पाले में है? जो एक दूसरे के नेताओं के बयान आ रहे हैं उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, जो वास्तव में उनके पास डॉक्यूमेंट है उसी पे हम देखेंगे। तो वास्तव में कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी है और मैंने शुरू में ही कहा था कि गवर्नर हाउस से रिकॉर्ड जरूर सुप्रीम कोर्ट मांगेगा, क्योंकि गवर्नर हाउस की भूमिका ही संदिग्ध प्रतीत हो रही है, ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया है। निश्चित तौर से कल 10:30 बजे क्या स्थिति रहेगी, लेकिन बीजेपी के लिए कांटों भरा रास्ता है 2-3 दिन का, और बहुत मुश्किल है कि वो बहुमत के आंकड़े को छू पाएंगे या कुछ नहीं हो पाता है। तो जिस तरीके से एनसीपी के अधिवक्ता ने कहा भी यहाँ पे कि हमारे पास केवल 41 विधायकों का समर्थन पत्र है, तो वो 13 विधायक को कहाँ चले गए और वो किन के साथ हैं, अजीत पवार के साथ हैं या कहीं और हैं, तो ये सारी स्थिति कल 10:30 बजे क्लियर होगी और जो फ्लोर टेस्ट होगा उसके बाद ही हम लोग कह सकते हैं कि आखिर में क्या स्थिति बन सकती है। बिल्कुल प्रमोद जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें रखी गई हैं उसमें क्लियर कट सिचुएशन अभी भी दिखाई नहीं दे रही है, दिन एक एक्सटेंड ही हो गया है, बल्कि कोर्ट ने कहा है कि कल 10:30 बजे सुनवाई होगी और उस सुनवाई के दौरान ही फ्लोर टेस्ट पर क्या फैसला हो सकता है वो चीजें भी क्लियर होंगी। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज फैसला और जो प्रोसीडिंग का किए वो बिल्कुल कानून के अंतर्गत है जी, क्योंकि बिना नोटिस किए हुए एक तरफा वो फैसला नहीं सुना सकते थे। एक दूसरा, जो वो जो लेटर ऑफ एमएलए का है गवर्नर के पास, वो इनके पास सामने नहीं है। तो ये सारी चीजों को देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हर चीज को रिसर्च कर करके देखती है, वो जब तक उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सामने नहीं होगा, तो दूध का दूध पानी का पानी फैसला वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो उन्होंने कल का टाइम दिया, ये भी नहीं है कि कोई लंबा टाइम दे दिया। आज देखिए संडे छुट्टी था, फिर भी जो आज कोर्ट ने सुगो मोटो लेकर के ले लिया, हालांकि इसमें देखिए भूषण साहब ने एक सवाल किया कि आप जो सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं वो आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, वहां पे मान्य आप हाई कोर्ट में जाते, लेकिन खैर वो चूंकि वो एक ही स्टेट का था और यहाँ सेंट्रल भी था, इसलिए उन्होंने इसको प्रेशर दे दिया और चूंकि ये फाइनल हो जाए। और कई जो केसेज आया था, एसआर बोमई का केस हो, कर्नाटका का हो, उत्तराखंड का हो, झारखंड का हो, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में ही लिया गया था। अब सवाल ये दूसरा चीज अभी जो आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुना है उसमें देखिए 2 चीज आ रहा है। एक कि गवर्नर ने जो सीएम और डिप्टी सीएम जो अपॉइंट किए और किस हालात में किए वो जेन्यून है कि नहीं, इसीलिए उन्होंने जो कंसेंट ऑफ एमएलए का लेटर वो जो मांगे हैं उससे वो देखा जाएगा कि उस समय वो मेजोरिटी में है कि नहीं, इसका पर्पस ये हुआ, इसीलिए वो लेटर की आवश्यकता हुई। देखिए अजीत पवार साहब चूंकि विधायक दल का नेता थे उस समय, आज परिस्थितियां बदल गई अलग, तो चूंकि मेजोरिटी यदि उनके पास है तो गवर्नर ने जब दोनों को कॉल किए हैं और शपथ ग्रहण दिए हैं तो उस बेस पे वो जेन्यून हो जाएगा। दूसरा चीज हो गया कि फ्लोर टेस्ट की बात, देखिए फ्लोर टेस्ट में
कोई डिस्पूट नहीं है, फ्लोर टेस्ट तो होना ही है, क्योंकि इसका जो लिटमस टेस्ट होता है वो फ्लोर टेस्ट में ही होता है, वो ना तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है ना राज्यपाल महोदय कर सकते हैं, तो उसका अल्टीमेटली जो ऑप्शन है वो है फ्लोर टेस्ट, जो विधानसभा के पटल पे होता है। अब इसमें दो पहलू है, एक तो फ्लोर टेस्ट का जहां है, देखिए जो जो पिटीशन दायर किए हैं चाहे वो शिवसेना हो, एनसीपी हो और कांग्रेस, वो भी ये नहीं कर रहे हैं कि है अब तो जो हो गया, लेकिन ये फ्लोर टेस्ट करवाई, उनका सिर्फ ये मांगना है कि फ्लोर टेस्ट एज सुन एज पॉसिबल करा दीजिए। इनका कहना है क्योंकि गवर्नर ने आदेश दिया है कि 30 तारीख को फ्लोर टेस्ट किया जाए। अब ये दोनों के बीच में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को फैसला लेना है कि इसको किस दिन का किया जाए। हाँ। अब इस बीच में एक चीज जो आ रहा है कि वो एक प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट करना है। हाँ। क्योंकि फ्लोर टेस्ट बिना प्रोटेम स्पीकर का नहीं हो सकता है, तो एक दिन तो आपको ये प्रोटेम और स्पीकर का अपॉइंटमेंट का लग जाएगा। अब जैसे उसमें सिंघवी साहब ने बताया कि सीनियर मोस्ट जो एमएलए हैं उनको आप कीजिए, तो उनका ये काम नहीं है डिस्क्रेशन की कौन सीनियर मोस्ट करेंगे। हाँ। ये या तो विधानसभा का पटल का है या गवर्नर का उसमें है कि प्रोटेम स्पीकर को मैनेज करके वो करें जो बाकी में काबिल है उनको। अब सवाल है कि प्रोटेम स्पीकर उसके बाद ये पटल पे रखा जाएगा कि ये जो सीएम और डिप्टी सीएम बनाए इनके पास मेजोरिटी है या नहीं है। यदि नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन आएगा, जो इनके पास जो अभी पेटिशनर बने हैं शिवसेना के ये है, इनको मेजोरिटी के लिए फिर गवर्नर बुलाएंगे, आप जो है इसको प्रूफ कीजिए। यदि ये भी नहीं करते हैं तो फिर तीसरा उपाय है कि इनका वो फिर से जो है राष्ट्रपति शासन होगा या फिर विधानसभा को भंग किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा एक इसके थोड़ा अलग कहना है कि ये देखिए ये सिचुएशन कई बार हुआ है, चाहे वो कर्नाटक में हुआ हो, झारखंड में हुआ हो, उत्तराखंड में हुआ। कर्नाटक का जो अभी चूंकि लेटेस्ट में हुआ है 2018 का, आप यदि उस पर देखेंगे तो देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप फ्लोर टेस्ट करवाइए। लेकिन तो कर्नाटक वाले मामले में ये भी हुआ कि एक दिन के अंदर ही फ्लोर टेस्ट जब साबित करने का वक्त आया तो फ्लोर टेस्ट में फ्लॉप हो गई थी। बिल्कुल, लेकिन तो उसके बाद कर भी तो रिजल्ट देखिए। हाँ। आपको एक दो महीने के बाद ही सरकार डिजोल्व हो गई, उसमें आप पूरा जो है उसमें भी हॉर्स ट्रेडिंग हुआ, उसमें भी एक दूसरे का जो है छीटा कसी और ये हुआ। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि आप वो प्रोसेस करके भी तो एक बजारू ही। हाँ, बना दिए हैं इसमें, तो आखिरकार का जनता पीस रही है। एक मैसेज कोर्ट की तरफ से कन्वे होना बहुत जरूरी है इस लेवल पर, क्योंकि इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी पावर का इस्तेमाल करते हुए कि हमेशा आगे के लिए भी इस तरह का डिस्प्यूट ना हो। बिल्कुल, इसको इस तरह का क्योंकि मुझे मुझे भी महसूस होता है जो हम चीज को समझेंगे सभी की जनता परेशान होती है। हॉर्स ट्रेडिंग का पॉसिबिलिटी खत्म हो, बजारू मत बनाइए। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ठगा हो महसूस नहीं करेगी, यहाँ पर जनता ठगा हो महसूस करने वाली है। सरकार को दोष दे रहे हैं तो जो इतने 15 दिन से क्या कर रहे थे, बिल्कुल ये बैठ के ही करते रहे हैं। ट्रेडिंग ही तो हो रही है और सबके सामने हो रहा है। हाँ, पब्लिक के सामने हो रहा है, क्या पब्लिक इस चीज को नहीं जान रही है कि आप बार्गेन जो कर रहे हैं स्पीकर के लिए, उसके बाद 14 मंत्री के लिए कर रहे हैं, एक दूसरे का विचार नहीं मिल रहा है, उसे खरीद फरोख्त कर रहे हैं और इसी बीच में कौन सी पार्टी किस पार्टी के साथ अपना अलायंस भी तैयार कर रही है, ये भी बड़े सवाल रहे। लेकिन चलिए, हमारे साथ सुमन कुमार भी जुड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचाते रहे हैं। सुमन, आपसे जानना चाहेंगे सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा सा आप हमें बता पाए कि कोर्ट के जब कोर्ट में ये बातें रखी गई थी तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या कुछ थे। देखिए, शुरुआत तो कपिल सिब्बल ने की, क्योंकि शिवसेना और दूसरी तरफ जो एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से शुरुआत उन्हीं को करनी थी और उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए एक दिन पहले ही एनसीपी और कांग्रेस और उसके बाद शिवसेना ज्वाइंट पीसी करती है और उसके बाद कल होके उनको सरकार बनानी थी, लेकिन अचानक रात में यह डिसीजन लिया जाता है और राष्ट्रपति शासन खत्म की जाती जिसमें कि कैबिनेट का अप्रूवल नहीं है। राष्ट्रपति के शासन खत्म करने के बाद सुबह सुबह आप अर्ली मॉर्निंग में बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी दूसरे जो एजेंसीज है उसको एक्टिवेट किए आप वहां शपथ दिलाते हैं और बताते हैं कि सरकार बना दी गई। तो ये राज्यपाल के जो पूरे कार्य करने के जो तरीके रहे उस पे उन्होंने सवाल खड़े करने शुरू किए और उसके बाद फिर बात ये आगे बढ़ी, क्योंकि राज्यपाल ने इससे पहले क्या इंटीमेट की थी बीजेपी को, या बीजेपी को आमंत्रण पत्र दिया था कि आप आइए सरकार बनाइए, या इससे पहले क्या बीजेपी ने उनको कहा था कि हम सरकार बना रहे हैं।
तो ये तमाम सारी दलीलें उस वक्त कपिल सिब्बल ने दी। उसके बाद मैं बताऊं कि केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है वो आए थे और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सरकार ने डिसीजन ली है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे लेकिन अभी नहीं बता सकते। फिर तीसरे तरीके से देखते हैं तो दूसरे बीजेपी की तरफ से पूरी पार्टी की तरफ से कोई भी लॉयर यहाँ आज उसमें सदन में पेश, कोई भी लॉयर जो है वो कोर्ट में पेश नहीं हुए कंचन। उसमें सिर्फ तीन चार जो एमएलए हैं उनकी तरफ से और इंडिपेंडेंट एमएलए की तरफ से मुकुल रोहतगी पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि आपके पास, सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की कि बहुत जल्दीबाजी नहीं है, सरकार बन चुकी है और सरकार इस सिचुएशन में है कि वो पूरी तरह से फ्लोर टेस्ट कर सकती है और उसके लिए राज्यपाल ने उनको वक्त भी दिया है, इसलिए अभी आप जल्दीबाजी में कोई डिसीजन इस पर न दें शुरुआत की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप राज्यपाल को सीधे सीधे ऑर्डर भी नहीं कर सकते कि आप इस पे तुरंत में फ्लोर टेस्ट बुलाइए और जल्दी में ही प्रोटेम स्पीकर जो है उनको गठित कीजिए और फिर उनको ऑर्डर कीजिए 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए। लेकिन उसमें जस्टिस रमन्ना ने यह कहा कि ये सारी बातें कह के आप घुमाइए मत, क्योंकि इससे पहले और भी जजमेंट्स हैं जिसमें पूरी तरह से क्लियर है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या कहना चाहिए, क्योंकि कर्नाटका के जो जजमेंट है आपने देखा होगा कि रात में बहस हुई और रात में बहस होने के बाद उन्होंने कहा एक ही दिन का ही वक्त दिया था, 18 को बहस हुई थी और 19 को उन्होंने कहा था 5 बजे तक आप फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए। वही बहस यहां भी हुई और उन्होंने कहा कि इस तरह के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, इसलिए ये पॉइंट को हम इधर उधर करने की कोशिश करें वो बिल्कुल हम उसमें नहीं जाएंगे। और साफ साफ उन्होंने कहा कि आप जो बात कर रहे हैं, यानी जो रोहतगी साहब बात कर रहे थे कि इसमें अभी 3-4 दिनों का वक्त दिया जाए या अभी नोटिस दिया जाए, नोटिस का जवाब, क्योंकि सबसे बड़ी दिलचस्प बात इसमें ये रही कंचन कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉयर खड़ा भी नहीं हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई, राज्यपाल की तरफ से कोई लॉयर भी नहीं था, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जरूर थे लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इसलिए उनको सभी चारों पक्षकारों को, अजीत पवार को, वहां के सीएम को, राज्यपाल को और केंद्र सरकार को, चारों को एक नोटिस दिया गया है और जवाब कल 10:30 बजे तक उनसे मांगी गई है और उनको फिर 10:30 बजे कल बेंच कंस्टिट्यूट की गई है और सारे जितने काम है उनको छोड़ के सिर्फ इसी मसले पे कल डिसीजन आ सकता है। और डिसीजन आ सकता है वो डिसीजन आपको फ्लो टेस्ट का है, क्योंकि हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो चाहे वो कर्नाटका का मसला हो, गोवा का मसला हो, या फिर उत्तराखंड का मसला हो, या फिर झारखंड का मसला हो, कई सारे डिसीजंस हैं। उसमें सबसे जो बड़ी बात निकल के आई कि क्या राज्यपाल सरकार को ये राइट दे सकते हैं कि वो फ्लोर टेस्ट करने उनके राजभवन में आए या ये विधानसभा में किया जाए। तो इस पे पूरी बहस और इस पे पहले भी जजमेंट है, इसलिए विधानसभा में ही फ्लोर टेस्ट होते हैं और फ्लोर टेस्ट राजभवन में आप नहीं करवा सकते हैं, ये इस तरह से जजमेंट है। और रोहतगी यही वो फंसाने की कोशिश कर रहे थे कि आप क्या राज्यपाल के जो काम है उनमें हस्तक्षेप करेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि हम आपकी बातों पे, मतलब बातों को सुन तो रहे हैं लेकिन इसके लिए बहुत सारे पहले जजमेंट हैं। तो ये तमाम सारी दलीलें रही और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सिर्फ कल 10:30 बजे तक का वक्त दे रहे हैं और 10:30 बजे फिर हम सुनवाई करेंगे और नोटिस का जवाब आप दीजिए। तो तुषार मेहता कल केंद्र सरकार की तरफ से अपनी दलीलें पेश करेंगे, अब उधर वहां से उधर यानी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कौन लॉयर होते हैं वो कल ही देखना दिलचस्प होगा। अजीत पवार, क्योंकि इसमें उन्होंने समर्थन पत्र दिया था और समर्थन पत्र में कितने मेंबर्स थे, उन्होंने समर्थन पत्र जो दिया था क्या वो एनसीपी, जो पहले एनसीपी ने जो उनको एक लीडर ऑफ हाउस चुना था वही समर्थन पत्र था जिसके एवज में, जिसके नाम पे स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई, फॉर्म की गई, ये तमाम सारी चीजें कल निकल के आएगी। लेकिन एक बात जो हमें समझ में आ रही है अभी तक के जजमेंट्स रहे और अभी तक के जो सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यप्रणाली है, तो उसमें कंचन हमें आपको समझने की जरूरत सिर्फ यही है कि यहाँ जल्दीबाजी देखी जाती है लेकिन उसमें जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं अगर उसमें नहीं अपनाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में सख्त होता है। और मुझे लगता है ये कि कल से परसों तक का ही वक्त इनको मिल सकता है फ्लो टेस्ट करने के लिए। एनसीपी के पास अगर 41 विधायक हैं और कांग्रेस के पास जो पूरे विधायक इंटैक्ट हैं या फिर शिवसेना के पास, क्योंकि और एक शब्द की हम चर्चा करेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा करेंगे, एमएलए यहाँ एक घोड़े की तरह उनको एक कमरे में होटल में बंद किया जाता है, कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनको उन घोड़ों को एक महाराज खासकर मध्य प्रदेश में भोपाल में ठहराया जाता है या फिर राजस्थान में ठहराया जाएगा, शिवसेना जो है उनको होटल में, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए अपने अपने विधायकों को होटल्स में शिफ्ट किया गया है, अलग अलग रिजॉर्ट्स में, होटल्स में रखा गया ताकि हॉर्स ट्रेडिंग से अपने विधायकों को बचाया जा सके। माजिद मैडम तो कह भी रहे हैं कि इतना लंबा समय दे दिए, 30 नवंबर तक का समय इनको दिया गया था, हालांकि कोर्ट में भी पूरा मामला है कि गैर कानूनी तरीके से अब सरकार
चलिए इसी, अभी हम होटल की बात कर रहे थे तो शरद पवार, हम आपको बता दें, अपने एमएलए से मिलने के लिए होटल पहुंचे हैं और उनके साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी मौजूद हैं। और सुप्रिया सुले ने अपना एक ट्वीट भी अभी लेटेस्ट भेजा था जिसमें लिखा हुआ था कि जिसमें उन्होंने लिखा कि नई टीम के साथ अब सरकार बनाएंगे। तो अजीत शरद पवार अपने एमएलए से मिलने के लिए होटल मौजूद हैं, इस समय पहुंचे हैं और उनके साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी हैं। तो विधायकों से मिलने के लिए शरद पवार पहुंच चुके हैं। चलिए डॉक्टर सुनील कौशिक जी, अभी जो चीज़ें हो रही हैं अब वो समझ तो आ ही रही हैं थोड़ी थोड़ी, क्या कुछ होने वाला है महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं कि कल अगर फ्लोर टेस्ट को लेकर कह दिया जाता है तो जिस तरह से आंकड़े और जिस तरह के विधायकों का समर्थन जिन जिन पार्टियों के पास है, क्या पाते हैं आप, क्या होगा? नहीं देखो, जिस फ्लोर टेस्ट में जो आंकड़ा निकल के आ रहा है कि 105 इनके पास हैं इस समय, 13 विधायक निर्दलीय हैं, 16 विधायक ऐसे हैं जो छोटी छोटी वहाँ की पार्टियों को हैं, ये सारे आंकड़ों को देखा जाए और 14-15 विधायक जो कहा जा रहा है कि अजीत पवार के साथ हैं, तो मुझे लगता है कि फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे ये लोग। लेकिन यदि अजीत पवार, बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहा हूँ, यदि ये 14 विधायकों पर शिकंजा एनसीपी ठीक से कस देती है और शरद जी के साथ चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी और मुझे लगता है कर्नाटक जैसा हाल ना हो कि इनको इस्तीफा देना पड़े। दूसरी स्थिति, अभी शरद पवार के लिए कुछ कह नहीं सकते, कुछ अभी राजनीति कह नहीं सकते। हो सकता है कि शरद पवार बीजेपी के पक्ष में जाना चाह रहे हों और एनसीपी के नेता जो अजीत जी ने जो डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं उसी जो राजनीति का उनका हिस्सा हो कोई। अभी कुछ खुल के हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो चीज़ें आ रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बहस है, उनकी तरफ से भी एडवोकेट खड़ा हुआ है, आज की यदि परिस्थिति देखें तो शरद जी बिल्कुल शिवसेना और कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट तक क्या स्थिति होगी, जिस तरीके से कुछ अफवाहें आ रही हैं या कुछ सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि दो कैबिनेट मंत्री इनके केंद्र में हो सकते हैं, हो सकता है शरद जी और उनकी बेटी सुप्रिया हो जाएं, तो कुछ भी अभी नहीं कह सकते हैं। और 2-3 दिन का यह समय बीजेपी को मिलता है, जैसे कल का समय मिल जाएगा, परसों हो सकता है स्पीकर की इनकी प्रक्रिया शुरू हो और परसों शाम को, तो 3 दिन मिल गए, आज का भी पूरा दिन है इनके पास, कल का भी पूरा दिन होगा, तो कहीं बीजेपी से, कहीं बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति कर भी सकती है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते अभी। ठीक है, लेकिन ये जो विधायकों से मिलने गए हैं शरद पवार, हालचाल समझ रहे हैं, लेने पहुंचे हैं या फिर कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं देखो, कुछ अफवाहें ऐसी आ रही थी कि कुछ होटल से बाहर गए हैं और शिवसेना को, शिवसेना के एमएलए ने उनको पकड़ा है, फिर जाकर के शरद जी से उनकी फ़ोन पे बात हुई है, फिर उनको होटल ले जाया गया है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि जहाँ वो रुके हुए हैं, हो सकता है उनके परिवार से बीजेपी संपर्क कर रही हो या कुछ, हो सकता है पहले की कुछ बातें ऐसी रही हो कि आप शरद जी के पास जाइए और जब वोट पड़ने की स्थिति वहां होगी तब हमको दीजिएगा, तो कुछ सस्पेंस कह नहीं सकते अभी क्या हो सकता है। जो विधायक लौट के, बिल्कुल जो विधायक शरद जी के साथ हैं, जो विधायक शरद जी के साथ हैं अभी, क्या हो सकता है वो भी एक रणनीति का हिस्सा हो कि आप जाइए वहां, उनको अंधेरे में रखिए, जब वोट देने का नंबर आएगा तो हमको दीजिएगा, तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि महाराष्ट्र तो अभी खेल के किंग आपको यहाँ पर शरद पवार नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं नजर। और आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री से मिल, सस्पेंस क्या है कि प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उनने मीडिया को क्यों नहीं बताया किस मुद्दे पर, जब पीछे से खबर आई, वो कह रहे थे कि कांग्रेस को विश्वास में क्यों नहीं लिया, कहना चाहते किसानों के मुद्दे को लेकर समस्या थी, जो आपकी अभी सरकार में तो है नहीं है और ये तो 2-3 महीने यही से तो सस्पेंस शुरू हुआ था कि आखिर क्या वजह थी, ये मुद्दा लेकर क्यों पहुंचे। खबरें आई कि सरकार 11,000 करोड़ देना चाह रही है, 35,000 करोड़ के किसानों के लिए, फिलहाल तो कल अब फ्लोर टेस्ट करने को लेकर हो सकता है फैसला कल सुप्रीम कोर्ट सुनाए, कल इस पर सुनवाई दोबारा 10:30 बजे होने वाली है और सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ सरकार गठन को लेकर के जो एमएलएस का जो पत्र सौंपा गया था और जो जितनी भी डिटेलिंग्स थी, कागजात थे, उन सबको सबमिट कल सुप्रीम कोर्ट में करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुनील कौशिक जी, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े थे प्रमोद कुमार जी, आपका भी शुक्रिया और सुमन आपका भी शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, सारा प्रणाम।